गुड मॉर्निंग। आज हम थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट यूनिट गैसों का अणुगति सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है गैसों का अणुगति सिद्धांत क्या है। गैस के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु लगातार गति में होते हैं और यह गति अनियमित होती है। अणुगति में परिवर्तन होने पर गैस के ताप, दाब और गैस की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अणुओं की गति विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे रैखिक, गुणनित तथा दौलित। जब तक गैस का ताप अधिक नहीं होता है, तब तक केवल रैखिक और दौलित गति ही महत्व रखती है। अधिक ताप पर गैस की घूर्णन गति का भी महत्व होता है। अब है गैस के अणुगति सिद्धांत की परिकल्पनाएं, पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फर्स्ट पॉस्टुलेट है, किसी गैस के सभी अणु एक समान होते हैं परंतु दूसरी गैस के अणुओं से भिन्न होते हैं। दूसरे परिकल्पना के हिसाब से अणु पूर्ण गोलाकार, ठोस, दृढ़ एवं पूर्णतया प्रत्यास्थ होते हैं। गैस के अणु अनियमित सतत गति में होते हैं, अर्थात वे हर संभव दिशा में हर संभव वेग से गतिशील होते हैं। गैस के अणुओं का अपना आकार अत्यधिक कम होने से उनके बीच की औसत दूरी औसत मुक्त पथ की तुलना में नगण्य होती है। इनका आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। अणुओं की सतत गति के कारण वे एक दूसरे से एवं बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। जिस बर्तन में गैस भरी हुई है, इनकी टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है। टकराने पर अणुओं का वेग, परिमाण व दिशा दोनों में बदलता है, परंतु हर समय सभी स्थानों पर अणु घनत्व समान रहता है। अगले परिकल्पना के हिसाब से अणुओं के बीच कोई आकर्षणीय बल नहीं होता है, अर्थात अणुओं की स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, अणुओं की गैस की केवल गतिज ऊर्जा होती है। दो अणुओं की टक्कर में लगा समय दो टक्करों के बीच में लगे समय की तुलना में नगण्य होता है। दो टक्करों के बीच अणु सरल रेखा में समान वेग से गति करते हैं एवं टक्करों के बीच चली गई दूरी मुक्त पथ कहलाती है। इन मुक्त पथों का औसत मुक्त पथ कहलाता है। उपरोक्त परिकल्पनाएं जो गैस पूर्णतया पालन करती है उसे आदर्श गैस कहते हैं। यथार्थ में कोई भी गैस आदर्श नहीं होती है। एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ अ गैस। गैस पर लगने वाले दाब का व्यंजन। गैस पर लगने वाले दाब का व्यंजन निकालने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक आयताकार वेजल है ए बी सी डी ई एफ जी एच, जिसमें की गैस भरी हुई है। उसमें से प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m और नंबर अणुओं की संख्या जो है उसको हम स्मॉल n मान लेते हैं। उनमें से मान लीजिए हम एक अणु को कंसिडर कर रहे हैं। एक्सप्रेशन निकालने के लिए माना गैस एक आयताकार बर्तन ए बी सी डी ई एफ जी एच, जिसकी की साइड्स एल एक्स, एल वाई और एल जेड है, जो कि एल एक्स, एल वाई, एल जेड, एक्स, वाई और जेड अक्ष के समांतर है, उसमें भरी गई है। माना कि बर्तन में गैस अणुओं की संख्या स्मॉल एन है और प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल एम है। आयताकार बर्तन में गैस के अणु हर संभव दिशा में हर संभव वेग से गति कर सकते हैं। माना कि गैस अणुओं का वेग C1, C2, C3 अप टू CN है, मतलब कि पहले अणु का वेग C1 है और nth अणु का वेग हमने CN माना है। माना हम एक गैस अणु लेते हैं। माना किसी समय इस गैस अणु का वेग C1 है। C1 के X, Y और Z अक्ष की दिशा के घटक क्रमशः हम U1, U2 और U1, V1 और W1 मान लेते हैं। अतः C1 स्क्वायर इज इक्वल टू U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर। अब हम इस अणु की CDHG फेस पर टक्कर को लेते हैं। इस अणु का टक्कर के पहले का संवेग होगा MU1 और टक्कर के पश्चात का संवेग होगा माइनस ऑफ MU1, क्योंकि टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ है, अतः गति की दिशा में परिवर्तन ही होगा। अतः इस टक्कर के कारण संवेग में परिवर्तन प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग, ये हो जाएगा MU1 माइनस ऑफ माइनस MU1 इज इक्वल टू 2MU1।
ये जो संवेग में परिवर्तन है, दिस इज द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल ऑफ द वेजल इन वन कोलिजन. हैंस द मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द मॉलिक्यूल टू द वॉल इन वन सेकेंड इज इक्वल टू 2mu1 इन टू वन एक सेकेंड में टक्करों की संख्या. चूंकि अणु को एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर के लिए u1 वेग से 2lx दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक फेज से टकराएगा, उसके बाद वो दूसरी फेज तक जाएगा और वापस उस फेज तक आएगा. तो lx और lx यह दूरी ये दो बार तय करेगा, इसलिए 2lx दूरी तय करेगा. अतः दो टक्करों के बीच का समय 2lx/u1. अतः एक सेकेंड में टक्करों की संख्या इज इक्वल टू u1/2lx. Therefore, total momentum imparted in 1 second is equal to एक सेकेंड एक टक्कर में कितना मोमेंटम दे रहे हैं और एक सेकेंड में कितने टक्कर हो रही है. तो 2mu1 into u1/2lx is equal to mu1/2lx. Therefore, total momentum imparted by all the n molecules in 1 second is equal to m/lx. सभी में कॉमन है, फर्स्ट अणु के लिए u1 square, सेकेंड के लिए u2 square और nth के लिए अप टू un square. तो इसको हम लिख सकते हैं m/lx सम ओवर u1 square. तो न्यूटन के गति के नियम से संवेग में परिवर्तन की दर इज इक्वल टू आरोपित बल. Therefore, संवेग में बल fx इज इक्वल टू संवेग में परिवर्तन की दर है m/lx सम ओवर u1 square. फेस CDHG का क्षेत्रफल हम ले सकते हैं ly/LZ. Therefore, दाब px इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्षेत्रफल. तो m/lx/ly/LZ सम ओवर u1 square. LX/LY/LZ को हम मान सकते हैं V बर्तन के आयतन के बराबर. तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं m/V सम ओवर u1 square. ये हमने निकाला है x एक्सिस के लिए. सिमिलरली हम निकाल सकते हैं py हमारे पास आएगा m/LX/LY/LZ सम ओवर v1 square, या हम इसको लिख सकते हैं m/V सम ओवर v1 square, या इसी तरह से हम z फेस के लिए लिख सकते हैं m/PZ इज इक्वल टू m/LX/LY/LZ सम ओवर w1 square, या m/V सम ओवर w1 square. चूंकि अणुओं की गति अनियमित होती है, अतः हम मान सकते हैं कि px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz इज इक्वल टू p, या हम लिख सकते हैं px/py/pz इज इक्वल टू 3p. और इस एक्सप्रेशन से अगर हम p का मान निकालें तो p इज इक्वल टू 1/3px/py/pz. ऊपर के एक्सप्रेशंस में हमने px, py और pz का मान निकाला है, वो तीनों मान हम यहाँ रख देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 m/v सम ओवर u1 square प्लस m/v सम ओवर v1 square प्लस m/v सम ओवर w1 square. चूंकि यहाँ पर हमारे पास u1 square, u2 square अप टू un square आएगा, v1 square, v2 square, vn square आएगा, w1 square, w2 square, wn square होगा. तो इस इक्वेशन को हम रीशफल करके लिख सकते हैं m/3v पहले अणु के लिए u1 square प्लस v1 square प्लस w1 square को हम एक ब्रैकेट में ले लें. इसी तरह से nth अणु के लिए un² प्लस v1² vn² प्लस wn² चूंकि u1² प्लस v1² प्लस w1² c1² के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं m/3v c1² प्लस c2² प्लस cn² यदि c1² इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल द n मॉलिक्यूल्स, तो हम लिख सकते हैं c²² इज इक्वल टू c1² प्लस c2² अप टू cn² डिवाइडेड बाय n. ऊपर वाले एक्सप्रेशन के लिए चूंकि हमें c1² प्लस c2² प्लस cn² की जरूरत है, तो c1² प्लस c2² अप टू cn² की वैल्यू हम निकालेंगे, तो वो हमारे पास आएगी nc². मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 से मान अगर हम इक्वेशन 1 में लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू m/3v nc². चूंकि कैपिटल M हम लिख सकते हैं m into n इज द मास ऑफ गैस कंटेंड इन द वॉल्यूम v,
तो हमारे पास आएगा m और n को कंबाइन करके हम कैपिटल m लिख दें, तो m c बार स्क्वायर अपॉन 3 v। चूंकि m अपॉन v गैस के घनत्व के बराबर होता है, तो हमारे पास आ गया p इज इक्वल टू 1/3 ρ c बार स्क्वायर। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3। अगर हम इससे c बार की वैल्यू निकालते हैं तो c बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3 p अपॉन ρ, या c बार निकालते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 p अपॉन ρ। तो समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 2/3 × 1/2 ρ c बार स्क्वायर। चूंकि 1/2 ρ c बार स्क्वायर एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी गैस के लिए, तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 2/3 E के इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम।